डॉक्टर जिसे भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन क्या हो जब भगवान कहलाए जाने वाले डॉक्टर की थोड़ी सी लापरवाही से मरीज की जान खतरे में पड़ जाए। ऐसा एक मामला देखने को मिला है जयपुर के काउंटी अस्पताल में, जहां प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, फिर हार थक कर वह महिला प्रसव खुले में ही हो गया। काउंटी अस्पताल में खुले में महिला के प्रसव करने के मामले में चिकित्सा विभाग की ओर से लापरवाही बरतने पर 3 रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित किया गया है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर के निलंबित करने का मामला अब तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर के निलंबन को लेकर वापस लेने की मांग को लेकर प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार कर रखा है, तो वहीं अलग अलग तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज के पास मंदिर में मेडिकल प्रशासन के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था, वहीं पर आज मेडिकल कॉलेज से रेजिडेंट डॉक्टर ने सर पर बकरे की फोटो लगाकर रैली निकाली। इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर ने मामले में निलंबित किए गए रेजिडेंट डॉक्टर पर की गई कार्रवाई को एक तरफ बताया और जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। रेजिडेंट डॉक्टर ने आरोप लगाया कि अगर इसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे। फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अगर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अस्पताल में चिकित्सा विभाग की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन अगर यह हड़ताल लंबी चली तो कहीं ना कहीं मरीजों की परेशानियां और भी बढ़ सकती है। रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है और आज इसी को लेकर मेडिकल कॉलेज में बकरा रैली भी निकाली गई है। काउंटी अस्पताल में प्रसव वाले मामले में हमारा एसएमएस के रेजिडेंट साथियों का प्रदर्शन आज लगातार 6 दिन भी जारी है और आज राजस्थान के जो अन्य मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के रेजिडेंट साथी भी बिना किसी अपनी शर्त के हमारे इस आंदोलन में हमारा साथ देने के लिए आगे हैं और उन्होंने यही हमारी ये डिमांड है कि हमारे जो 5 रेजिडेंट साथी जो निर्दोष और 1 सीनियर रेजिडेंट साथी हैं सभी 6 को बहाल करो और जो वहाँ के जो रियल कल्प्रिट हैं जो रियल में जिनकी जिम्मेदारी तय होती है जो पावर लेके वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी कमियों की वजह से वहाँ उस अस्पताल में खामियाँ हैं जिनका खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं उन पे कार्रवाई करो जिससे आगे ये व्यवस्था दुरुस्त हो सके और किसी भी मरीज का या किसी भी आमजन का उस अस्पताल में जो आ रहे हैं अपने इलाज के लिए उनका नुकसान।